नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दुमका जिला के सुप्रसिद्ध फौजदारी बाबा के नाम से सुविख्यात बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन बीतने के बाद भी श्रद्धालुओं का आगमन अनवरत रूप से जारी है। श्रद्धालु यहां श्रावणी मेले के ही तर्ज पर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कोई अपने निजी वाहन से पहुंच रहा है तो कोई पैदल पहुंच रहा है। बताते चले कि श्रावणी मेला के बाद भादों में भी यहां श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालु जो किसान तबके के श्रद्धालु हैं झारखंड बिहार के, वो अपनी खेती बाड़ी करके सावन के बाद भादों में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं का आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को जलार्पण करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सावन के ही तर्ज पर चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है, कतारबद्ध तरीके से जलार्पण कराने की व्यवस्था की गई है। इन सारी व्यवस्थाओं के देखरेख अनुमंडल पदाधिकारी दुमका कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को आगमन को देखते हुए प्रशासन द्वारा कौन सी व्यवस्था की गई? हम लोगों ने लगभग वही जो भी हमारी सावन की व्यवस्था है उसी का हमने रेप्लिका रखा हुआ है। उसी तरह से हम लोग संस्कार मंडप को कायम रखे हुए हैं और जिस तरह से संस्कार मंडप में लाइन चलती थी और जिस तरह से हम लोग हाथी गेट से पंक्तिबद्ध करा के रूट लाइन से गर्भगृह में पूजा कराते थे वैसे ही कर रहे हैं। और अधिक भीड़ होने की स्थिति में जो हमारा रूट लाइन पुराना बना हुआ है, सावन में अधिक भीड़ रहने के कारण वहाँ पर 3 लाइन की व्यवस्था थी, वर्तमान में 1 लाइन की व्यवस्था है। बाकी हमारी जो भी मुख्य मुख्य जगह पर बैरिकेडिंग वगैरह की पूर्व की व्यवस्था थी वो सब पूर्ववत कायम है और सिक्योरिटी की तमाम जितनी व्यवस्था थी वो हमने किया हुआ है और आवश्यकतानुसार सुरक्षा बल और दंडाधिकारी, मेडिकल फैसिलिटी, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्था।